पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अरे तुम्हें कम से कम राजनीति चलाती है, ये बात तुम कैसे कर होता है? नहीं यार भाई, यहाँ तो दिया आज तक कार्य में कम से कम मेरा नाम है सोनू पांडे। क्या हुआ, क्या मामला है? सुबह 100 नंबर पुलिस आई थी, इन मियां बीबी में कोई बात हो गई थी कल, तो उन्होंने अपने महके सुबह फोन करा, फिर इनके साले ने 100 नंबर बुलाई थी सुबह, ये सो रहे थे लोग। मैंने इन्हें उठाया, मैंने भैया 100 नंबर आई हुई है, बोले हमने फोन ये मारते हो, इन्हें ऐसा कहते हो वैसा कहते हो। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो फिर बोले ज़्यादा अड़के दिखा दिया तुझे, अभी बताएं। मानने लगे, उसे दो डंडे मारे, गाड़ी में बैठा लिया, बात चलती रही। गाड़ी के 10 मिनट बाद जब गाड़ी खोली तो उसके अंदर मेरा भाई ख़त्म निकला, बिल्कुल जब ही ख़त्म हो गया था। हॉस्पिटल लेकर आए, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। 100 नंबर के अंदर मेरा भाई ख़त्म हो गया। अब इन लोगों ने, पूरे प्रशासन ने उन्हें दोनों को भजा दिया, जो पुलिस वाले थे, और वो गाड़ी भी भाज गई। हाँ जी, वो भी चली गई। पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा होगा, लेकिन क्या पता क्या हो, अब बुलाया जाएगा, अब पता नहीं आए ना आए, ये तो सब पुलिस की राजनीति है। पुलिस ने दो डंडे मारे थे, गाड़ी में बैठाया था, हम मना कर रहे थे तो भी, उसके बाद क्या हुआ, अंदर ही ख़त्म हो गया 100 नंबर के सेहल। मेरा भाई सुपर नर्सिंग, इसमें सुपरवाइजर नर्सिंग एशियन में, मैंने नहीं की थी, उसके साले ने करी थी अपने घर से। क्या लगता है आपको कि कैसे डेथ हुई है? तो अब देखो क्या पता चले, प्रशासन की भी पूरी लापरवाही रही है इसमें। था जो परिजनों ने अभी शव रखकर जाम लगाया है, ये थाना क्षेत्र भोजपुर में एक गांव में सूचना पर यूपी 112 गई थी, जहां पति पत्नी का आपस में विवाद था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा डंडा मारा गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत की जा रही है और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना समय तक इन्होंने हाईवे को जाम रखा? इस संबंध में जांच कर बताया जाएगा। अब इसके बाद में क्या कार्रवाई की जा रही है? परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के आधार पर और बाकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।